सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 11, तो नाश्ता तो हम कब का कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का मौसम आप देख सकते हैं, बढ़िया मौसम है। ये देखिए, शानदार धूप आई है और आसमान भी साफ आपको दिख रहा होगा। अभी तो करते हैं दिन की शुरुआत आपकी दुआओं के साथ। अभी जो है मैं जा रहा हूँ मंदिर में, एक दो मंदिरों में मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरे चाचा जी है ना लखनऊ वाले, उन्होंने बोला है कि कुछ मंदिरों की फोटोज निकाल के मुझे भेज देना। अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर में, एक तो मंदिर है नौलिंग जी के मंदिर में, जो इष्ट देवता का मंदिर है। ठीक है, वहाँ पे एक दो मंदिर और हैं, जैसे बंजर देवता का मंदिर है, गोलजू का मंदिर है। उसके बाद मैं जाऊँगा गंगनाथ जी के मंदिर में, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर है, एक 200 मीटर मतलब डिस्टेंस है वहाँ से। ठीक है, तो चलता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं आगे। अभी धूप आप देख सकते हैं, काफी तेज धूप है और गर्मी भी काफी ज्यादा है अभी। चलो कोई नहीं, मंदिर में जाना है, आ चुका है मंदिर। तो यह है नौलिंगजू का मंदिर, हमारे इष्ट देवता का मंदिर। देखो बंजर जी का मंदिर है, पे है गोल जी का मंदिर, ये है वो था बंजर जी का मंदिर। तो मंदिरों में आके ना जो शांति का एहसास होता है, मजा आ जाता है मुझे। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट मंदिर कहाँ पता है, वो इस साइड को है, अभी यहां से दिखेगा नहीं हो। तो अब जो है मैं खींच लेता हूँ फोटोज। अब जो है नेक्स्ट मंदिर यहाँ पे सामने, यह लक्ष्मी नारायण का मंदिर, जय हो। तो दोस्तों नौलिंग जी के मंदिर में सारी फोटोज हो चुकी हैं, अब मैं चलता हूँ सीधे। आई होप ये मंदिर आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, यहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जो ये मंदिर है, आपको अच्छा लगा होगा। हमारा जो मकान है ना इस साइड को, यहाँ पे है, यहाँ पे इस साइड। अब मुझे जो जाना है ना इस पार, यहाँ पे जाना है, ये जो रोड है ना ये वाली, इसके ऊपर ठीक यहाँ पे जो मंदिर है ना, यहाँ पे वहाँ पे जाना है। रास्ता है सीधे यहाँ से इधर, इधर से नीचे, फिर उधर से यहाँ पे जाऊँगा मैं। तो रास्ते में जब भी मैं आता हूँ ना, तो एक आड़ू तो खाता ही खाता हूँ, जब तक ये आड़ू है मतलब। क्योंकि मेरे हिसाब से ना, जिस सीजन में जो फल होता है ना, वो फल हमें दबा के खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ना ये फल बने रहते हैं हर एक सीजन में। जिस सीजन में जिस टाइप की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है ना, उस टाइप का फल मतलब उस टाइप के विटामिन इन फलों में होते हैं। भाया ये रोड सीधे मैं जाऊंगा ऊपर, 200 मीटर मुझे पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद 50 मीटर 200 मीटर यहाँ तक होगा, यहाँ से 50 मीटर ऊपर, नहीं ये 30-40, हाँ 50 मीटर आप मान के चलिए। यहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं मंदिर के प्रांगण में, यह है मंदिर, जय हो गंगनाथ जी का मंदिर। यह धुनी, तो अब इस मंदिर में भी फोटो शूट में कर लेता हूँ। तो यहाँ की कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें मतलब फोटोज अब खींच लेता हूँ। ठीक है, और आपके साथ भी मैं शेयर करूँगा इन फोटोज को, मतलब वीडियो के बीच में ही मैं इन फोटोज को डालूंगा। ठीक है, हो सकता है इस क्लिप के बाद मैं डालूँ, चलो कोई बात नहीं। यहीं पर मैं इन सारी फोटोज को, यहाँ की फोटोज या जिस पहले जिस मंदिर में गया था वहाँ की फोटोज भी मिला के सब एक साथ में डाल देता हूँ, तो आप इंजॉय कीजिए इन फोटोज को। तो दोस्तों हो चुका है काम, अब एक दो मंदिर और बचे हुए हैं। जब हितांशी की मम्मी घास लाने के लिए जाएगी ना खेत में, तो उस टाइम वो खींच के लाएगी फोटोज, क्योंकि एक दो मंदिर नीचे को हैं, शायद उनको मैं लास्ट में आपको दिखाऊं, या हो सकता है मैं कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊं या आज के ब्लॉग में उन फोटोज को दिखाऊं, अभी कंफर्म नहीं बोल सकता। लेकिन अगर जैसे बारिश होगी ना शाम के टाइम पे, क्योंकि शाम के टाइम ना बारिश के चांसेस ज़्यादा है, मतलब जो मंदिर है मैं बता देता हूँ आपको, एक तो है धोलनाथ का मंदिर और एक है भंडरी देवता का मंदिर। हालांकि भंडरी देवता का मंदिर तो काफ़ी दूर है, चलो देखते हैं फिर
कहाँ कहाँ की तस्वीरें जो है हम लोग कैद कर पाते हैं अभी। फिर एक साथ में जो है सारी फोटोज अगर इकट्ठा हो जाएंगे ना, उसके बाद चाचा जी को भेजनी है सारी फोटोज। तो उनका प्लान ये है शायद ना, इन फोटोज को फ्रेम में निकालना चाहते हैं, उसके बाद शायद मंदिर में लगाएंगे जो उनका घर का मंदिर होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। मैं जाता हूँ सीधे घर अब, मंदिर में। हाँ, तो पहुंच चुका हूँ घर में। अभी दिन के बज चुके हैं 1:30, और आप जैसा कि देख सकते हैं नहा धो के मैं फ्रेश हो चुका हूँ, और अब खाना भी रेडी हो चुका है, तो खा लेते हैं खाना। एकदम तैयार ना। और ये जो है जो परसों एक ब्लॉग में दिखाया था ना, मम्मी लेके आई थी केले खेत से ना, पहाड़ी केले, तो उन्हें पकाने के लिए गीतांशी की मम्मी अभी डाल रही है पकाने के लिए, शायद डाल दिया है, तैयार है, इसमें डाल दिए हैं केले पकाने के लिए। इसमें पिरू भी है शायद, तो पिरू के बीच में ये केले हमने डाले हैं, जिससे कि मतलब गर्मी हो उनमें, केलों में, और पक जाए जल्दी। तो थाली में तो खा लेते भी खाना। आ क्या दाव हुलो? मलके दाल है, तो दाल जो है मलके की दाल है, और यह है अचार, तो खा लेते भी खाना। और हितांशी तो अभी सोई है। आजा 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 आजा, वेरी गुड वेरी गुड, आजा उठ के अब चल के आएगी तू, आजा। आजा 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 आजा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मंकू के बर्थडे में, पड़ोस में, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं वहां पे। तो ये लोग तो चले गए, ठीक है, अब जाता हूँ मैं। हैप्पी बर्थडे मंकी, केक इधर भी, इधर इधर कर, इधर बच्ची इतना बड़ा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। ऊपर को देखा, पहले ये पकड़, बर्थडे का गिफ्ट। तो ये खाना छोले है, पनीर विथ मिक्स सब्जी है, हलवा है, पूरी है। बंकी तुले खा रहे? बंकी है तुले तुले मजा आप खाना खान मजा बता रहे मैं तो लाऊ को। ये भी खाने लग गई पूरी। दर देख, हो चुका है बर्थडे, हम लोग जा रहे हैं अभी कहा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए, क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। खाना हम लोगों ने वहीं पर खाया, तो अब जो है सोने की तैयारी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट। टाटा बोल दे, टाटा बोल। पेट दिख रहा है ना, पेट हो गया।